श्रोताओं, अभी आप जो सुरावली सुन रहे थे वो थी दाक्षिणात्य संगीत पद्धति से। आपको पता है उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कई राग दाक्षिणात्य संगीत पद्धति से समाचा चुके हैं, जैसे कि हंसध्वनि और अभोगी। कई संगीतकारों ने इस रागों में अपनी स्वतंत्र रचनाएं भी निबद्ध की है और वो हमें बहुत भा जाती है। आज राग अभोगी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान उपेंद्र जी भट्ट। इस स्वर महफिल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राग अभोगी जो चर्चा के लिए हमने चुना है आज का विषय, इस राग अभोगी के आरोह और अवरोह हमें बता दीजिएगा। इसमें दो प्रकार के हैं और एक प्रकार ऐसा है, स रे ग म ध सा द म ग रे सा, एक प्रकार है, इसे अभोगी कहते हैं। और दूसरा है अभोगी कानड़ा। अच्छा। उसमें गमर ऐसे लेने का, स रे ग म ध सा द म ग ग ग म रे सा, ये दो प्रकार के आरोह और और इस राग का जो चलन है या राग की पकड़ जिसे कहते हैं वो हमें सुनवाइएगा जरूर। द स रे ग रे द द रे सा द स रे ग ग म म म ग ग म रे सा द स रे ग मगर ऐसा, इतने में अभोगी का वो सुर का जी पता चलता है। अच्छा। और इसके वादी और समाधि स्वर कौन से? मध्यम और षड्ज को इसे बहुत प्राधान्य दिया है। इससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इसका जो गांधार में जो एक आंदोलन है वो दरबारी में भी गांधार में आंदोलन है। अच्छा। तो वो दरबारी नहीं लगना चाहिए ऐसे जो आंदोलन है, इसमें करुण रस और श्रृंगार रस भी है इसमें और भक्ति रस भी है। द स रे ग ग म रे सा द द द रे सा, इसीलिए दरबार से अलग करने के षड्ज में आने के बाद हम दैवत में आते। द स रे ग ग म रे सा द द द ग ग रे सा मद सद ग म रे सा। और इस राग को गाने का समय जो शास्त्रकारों ने निर्धारित किया है वो ये राग रात का 11 बजे से 2 बजे तक बहुत ही अच्छा एक रंग दिखाए अच्छा। जाते हैं। अभी आपने जो एक वैशिष्ट बताए इन इस अभोगी राग के, इसे और बढ़ावा देने के लिए या और कुछ विशदता लाने के लिए आप हमें क्या सुनवाएंगे? मैं एक हमारा भी एक पारंपरिक एक बंदिश है वो मैं सुनाता हूँ। जी।
इसमें रस की जो प्रक्रिया है वो शास्त्रकारों ने क्या बताया है उस बारे में कि कौन सा रस इसमें अधिक? इसमें वैसा तो एक करुण रस भी है, वो आपने कहा था, हाँ, और भक्ति रस भी है इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो शब्द जो रहता है काव्य, उसके ऊपर भी वो कलाकार का एक ताकत
ऐसी रहती है कि वो शब्द को एक न्याय देने का। अच्छा। अभी समझो कि भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं, जैसे बंदिश आपके, हाँ बंदिश में मो पर दया करो, तो उसमें वो एक भावना जो व्यक्त करने का जो है वो वैसा ही आना चाहिए, तो उसके ऊपर रस निर्मित हो सकता है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि श्रृंगारिक राग रहता है लेकिन उसमें शब्द विरह का डाल दिया, तो वो कलाकार वो विरह दिखा सकता है। अच्छा। तो इसीलिए करुणा रस, शांत रस और भक्ति रस, भक्ति रस ये प्रधान के राग है। इसीलिए शायद ये हिंदी फिल्म संगीत में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक 100 साल बाद नाम की फिल्म थी उसमें दीदी से एक मुझे एक बहुत आश्चर्य की बात ऐसी लगता है, इतने सुंदर राग है ये, लेकिन ये म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने इसके इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मुझे एक प्रश्न चिन्ह है। श्रृंगार तो प्रकट होता ही है, विरह भी प्रकट होता है, होता है। वो अपने पिया को कह रहे कि हाँ, तुम नहीं हो, मेरा जिया नहीं लग रहा। राग अभोगी या कोई भी राग पर जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो एक्चुअली समय ये बहुत कम पड़ता है, समय की पाबंदी हमेशा के लिए होती ही रहती है। आज का एपिसोड अब हमें समाप्त करना है, और इसी के लिए आप हमें क्या सुनवाना पसंद करेंगे? जो बंदिश में एक सुनाता हूँ जी, और आज का इस महफिल का हम समाप्त करेंगे जी। सर, आपने जो राग अभोगी पर हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लाज रखो मोरे, 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 लाज रखो मोरे। तुम तो दाता, तुम तो तुम तो लाज रखो मोरे, लाज रखो मोरे, लाज रखो मोरे, लाज मोरे, लाज रखो मोरे, मोरे लाज रखो मोरे।
गरीब तुम दाता, हम गरीब तुम दाता, हम गरीब तुम दाता, हम गरीब तुम दाता, हम गरीब तुम दाता। Oh.